वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सुपर प्रिंसेस जो। और अगर अभी तक आपने अपने घर पे मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां नहीं खरीदी हैं, जैसे कि विटामिन सी, जिंक, पैरासिटामोल, बॉडी एक की दवाइयां, ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर, तो मेक श्योर आप ये सब चीजें अपने घर में रेडी रखें और अपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। कोरोना से बचने के लिए हम सबको एक दूसरे का और अपना ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रहना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना को जड़ से ही मिटा पाएंगे। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कोरोना के बारे में डिस्कशन किया है कि मेरी मम्मी को कोरोना कैसे हुआ, उन्होंने उससे कैसे रिकवर किया, उन्होंने क्या क्या चीजें घर पे करी जिसकी वजह से वो रिकवर हुई, तो आई विल लिंक दैट वीडियो हियर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मैं ऐड कर दूंगी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने पापा की, जो 60+ हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनकी उम्र काफी ज्यादा है। उसके अलावा उनको थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड लिटिल बिट ऑफ शुगर, क्योंकि उम्र के साथ लोगों को हो ही जाता है। तो उन्होंने कोरोना को कैसे हराया और उनको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया एंड हमारे ऊपर क्या बीती, तो इस वीडियो में मैं वो शेयर करने वाली हूं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, क्योंकि कभी कभार वीडियोज आने में टाइम लग जाता है, तो मैं अपनी सारी चीजें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जो कि सुपर प्रिंसेस जो हैंडल्स है, वहां पर शेयर करती हूँ। तो आते हैं मेरे डैड के पास। सिंस मेरी मम्मी को कोरोना के सिम्टम्स आए थे, उनको फीवर नहीं आया था, स्लाइट फीवर आया था एक रात ही, लेकिन उनको जो मेजर सिम्टम था वो था बॉडी एक एंड लूज मोशन। मेरे डैड को कोई भी सिम्टम नहीं था, ही वॉज फिट, फाइन एंड एक्टिव। लेकिन जब मेरी मम्मी का कोरोना का टेस्ट का सैंपल हम दे आए थे, ये सोच के कि नेगेटिव ही आने वाला है सैंपल, लेकिन हम कोरोना का फिर भी टेस्ट डर की वजह से दे आए थे, उसी के अगली रात मेरे डैड को रात को स्लाइट फीवर आया, शायद उनको हल्का सा एक भी हुआ। तो जल्दीबाजी में हमने अगले दिन पहले दिन ही उनका कोरोना का सैंपल दे दिया। और जब मेरी मम्मी का कोरोना का पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, सब लोगों ने अपने आप को आइसोलेट ऑलरेडी ही कर लिया था, तो मेरे पापा जब अपना कोरोना का सैंपल देने के लिए गए थे, उस वक्त वो ऑलरेडी आइसोलेटेड थे, घर में सब एक दूसरे से अलग थे, अपने अपने कमरों में थे। तो सबसे अच्छी बात यह हुई कि इमीडिएटली सबने प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड किया, किसी ने आराम से सर्दी जुकाम या देखेंगे करके उसको इग्नोर नहीं किया, सबने डर की वजह से पहले ही अपने आप को समझदारी की और अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। और साथ ही साथ क्योंकि मेरी मम्मी का पॉजिटिव कोरोना सैंपल आ गया था, तो मेरी मम्मी को जो भी चीजें प्रिस्क्राइब की गई थी, जैसे हल्दी वाला दूध, विटामिन सी और जिंक की टैबलेट, पैरासिटामोल और कुछ और दवाइयां जो उनकी कोविड की ट्रीटमेंट की दवाइयां थी, जो हर पेशेंट की अलग होती हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। जैसे कि मेरी मम्मी को लूज मोशन बहुत ज्यादा थे, तो उनको लूज मोशन के लिए भी अलग से सप्लीमेंट्स दिए गए थे ट्रीटमेंट के लिए। और साथ ही साथ जो स्टीमिंग बोली गई थी, जैसे इजी ब्रीथ टैबलेट आती है, सिप्ला कंपनी की एक इजी ब्रीथ टैबलेट है, जो कोई भी ओवर द काउंटर खरीद सकता है, उसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो टैबलेट पानी में डाल के, स्टीमर में डाल के वो लोग स्टीम लेना शुरू कर दिए थे। भाई, भाभी, पापा, मम्मी सब लोग सुबह शाम दिन में 3 या 4 बार स्टीम लेते थे, सब लोग गार्गल दिन में 2 से 4 बार करते थे, और ऑलरेडी पैरासिटामोल और विटामिन सी और जिंक की सप्लीमेंट्स खाते थे और हेल्दी घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाते थे और जितना हो सके रेस्ट करते थे। तो ये चीजें मेरे डैड ने ऑलरेडी पहले से करी और प्रोएक्टिवली किया। जब वो अपना सैंपल देके आए थे कोरोना पॉजिटिव का, उससे उनका रिजल्ट आने में ऑलमोस्ट पूरे 4 दिन लग गए, और ये 4 दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल थे। आप अभी बैंगलोर में, इंडिया में कोविड का रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आपको एक नंबर मिलता है, आप उस नंबर से या फिर अपने मोबाइल नंबर से ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट डाल के इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। तो हम लोग रेगुलरली सुबह से शाम तक हर एक घंटे में रिपोर्ट के लिए बहुत ही डेस्परेटली क्यूरियोसिटी से वेट कर रहे थे, क्योंकि सब होप कर रहे थे कि नेगेटिव आए, पर 4 दिन के बाद मेरे डैड का कोरोना का रिजल्ट पॉजिटिव आया, एंड दैट वॉज रियली वेरी डिस्टर्बिंग एंड शॉकिंग, बिकॉज वो सीनियर सिटीजन है और हेल्थ इश्यूज तो है ही, थोड़े बहुत हल्के फुल्के रहते हैं, अदरवाइज ही इज फिट एंड फाइन। तो हम लोग बहुत डर गए थे, यहाँ तक कि मेरे डैड को मैंने जब रिपोर्ट भेजी थी व्हाट्सएप पे और उनको पता चला वो पॉजिटिव है, तो वो भी थोड़ा सा घबरा गए थे, उन्होंने लाइक कहा कि मुझे 5 मिनट सोचने दो, बिकॉज
आदमी ये सोचता है कि अगर मुझे अभी कोविड हो गया, मैं ऑलरेडी सीनियर सिटीजन हूँ, तो अभी घर में ऑलरेडी एक कोविड पर्सन है, मेरी मम्मी जो अलग रूम में आइसोलेटेड है, तो हमें अभी इमिडिएटली क्या रिपोर्ट करनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि अभी पूरे देश में हॉस्पिटल्स के बेड मिलना या फिर किसी भी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना पॉसिबल नहीं है, दवाइयाँ मिलना बहुत डिफिकल्ट है और एम्बुलेंस में बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट है, हर चीज़ में लाइन लगी हुई है, तो आदमी घबरा जाता है कि अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मेरे भाई भाभी ने सारी सिचुएशन संभाली, उन्होंने इमीडिएटली जो ऑनलाइन कंसल्टेशन थी, बीबीएमपी के डॉक्टर हैं जिस एरिया में वो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो बीबीएमपी का डॉक्टर है, उन सब की सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास थी। और मेरे डैड खुद बहुत ही स्मार्ट और प्रोएक्टिव पर्सन है, वो प्री हैंडली प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो उनके पास सारे डॉक्टर्स और इन्फॉर्मेशन थी, तो उन्होंने इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करके बताया कि मेरा रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है, क्योंकि वो सेम डॉक्टर था जिन्होंने मेरी मम्मी के लिए बताया था। तो उन्होंने डॉक्टर ने मेरे डैड के हिसाब से उनको दवाइयां दी, मोस्ट ऑफ द दवाइयां सब कुछ सेम था जो मेरी मम्मी को दी गई थी, लूज मोशन की दवाई छोड़ के, क्योंकि डैड को कोई भी स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बॉडी एक स्लाइट कफ फीवर और जो कोविड आया था पॉजिटिव वो था। तो डॉक्टर ने सारी दवाइयां सेम दी एक्सेप्ट दी लूज मोशन दवाई, और मेरे डैड को ड्राई कफ हो रहा था। एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, कोरोना अभी पिछले 2 साल से चल रहा है गाइस, लेकिन इवन बिफोर कोरोना 2-3 साल पहले मेरे डैड जब थोड़ा वो साउथ इंडिया में रहते हैं, तो वो जब नॉर्थ इंडिया ट्रैवल करके जाते हैं तो उनको ड्राई कफ हो जाता है, और जब उनको ये ड्राई कफ हुआ था तो उनको 2-3 महीने तक वो चल रहा था ड्राई कफ, इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर हिम, तो उनको बहुत सारी एलोपैथी की दवाइयां सूट नहीं कर रही थी। फाइनली एक कफ सिरप है जो एक होम्योपैथिक कफ सिरप है, वो पिछले साल से यूज करते हैं, जब उनको ड्राई कफ हो जाता है तो वो उन पे वर्क पर करती है। तो अभी जब उनको कोविड के टाइम फिर से ड्राई कफ हुआ था, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनको ये कोविड का ड्राई कफ है, कोविड का सिम्टम है कि ये उनका पहले वाला ड्राई कफ है, तो इसलिए ऑल्सो यू गेट कन्फ्यूज। लेकिन उन्होंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर को बताया कि मुझे ड्राई कफ है, क्योंकि मुझे लगा इट्स इंपॉर्टेंट कि हम डॉक्टर को बताएं कि ये कोरोना के टाइम भी उनको ड्राई कफ है। तो अगर कोई डॉक्टर उनकी जो रेगुलर होम्योपैथी की दवाई जो वो हमेशा लेते हैं उसके अलावा कोई और दवाई बताना चाहते हैं तो वी शुड लेट देम नो। तो हमने डॉक्टर को बताया और उन्होंने एक सेपरेट कफ सिरप लिख के दिया, और वो कफ सिरप फिर मेरे डैड ने मेडिकल स्टोर वाले को फोन करके प्रिस्क्रिप्शन भेजा, मेडिकल स्टोर वाले ने घर पे होम डिलीवरी की है, मेरे डैड ने इमीडिएटली फर्स्ट डोज 1 घंटे में ही ले लिया था, और उन्होंने अपने कोविड की भी सारी दवाइयां खानी शुरू कर दी साथ में ये कफ सिरप। और ऑलरेडी वो 4 दिन से पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पहले ही, जबकि वो सैंपल दे के आए थे, जिस दिन वो सैंपल दे के आए थे उस दिन से ही उन्होंने गार्गलिंग करना, हल्दी वाला दूध पीना, अपने आप को आइसोलेट करके रखना और स्टीम लेना ये सब शुरू कर दिया था। तो इस चीज से काफी इम्पैक्ट पड़ा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मेरे डैड को ऑलरेडी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन 28 डेज पहले, यानी 1 महीना उनका कंप्लीट हो गया था, उनको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है। और जैसे कि वो सीनियर सिटीजन है, तो बैंगलोर में जैसे ही सीनियर सिटीजन के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, वो अपने आप प्रोएक्टिवली जाके अकेले वैक्सीन लगा के आ गए थे, एंड ही डजंट इवन आस्क माई ब्रदर टू कम अलॉन्ग कि तुम मुझे कार में लेके जाओ और लेके आओ, हेडेक होगा कुछ, ही इज वेरी स्मार्ट एंड वेरी बुलंद बोलते हैं ना, स्ट्रांग बोलते हैं, तो ही इज वेरी स्ट्रांग एंड ही डजंट नीड एनीबडी सपोर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो उन्होंने ऑलरेडी अकेले जाके फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगा ली थी, तो उनको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन को 28 डेज हो गए थे, और उनको सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन भी लग गया था, 28 डेज के बाद उनको सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन लगना था, तो उनको सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन भी लग गया था। जो ये सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन लगा था उससे उनको कोरोना का सिम्टम आने में 5 दिन लगे, तो बेसिकली 4 दिन खत्म होने के बाद, जब उनको सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगा, सेकंड डोज के बाद 4th दिन की रात को उनको फीवर हुआ और 5वें दिन जाके वो अपना कोरोना का सैंपल दे आए। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि क्योंकि उनको सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन लगा था, तो जो हल्के फुल्के उनको सिर्फ हल्का सा स्लाइट फीवर आया था एक रात, और थोड़ी सी सूखी खांसी हो रही थी। तो अगर हम लोग इस स्टेज ऑफ पॉइंट पे अगर प्रोएक्टिवली नहीं जाते, अगर हम ये सोचते कि अभी वैक्सीन लगी है 4 दिन पहले तो ये वैक्सीन की वजह से उनको हल्का फीवर आया है, या फिर वैक्सीन की वजह से उनको हल्की सी खांसी हुई है, या फिर ये खांसी उनकी जो 2 साल पुरानी वाली सीजनल एलर्जिक खांसी है वो है, तो ये चीजें सोच के अगर हम लोग उनका कोरोना का
टेस्ट ना करवाते और कोरोना का टेस्ट के बाद जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट ना करते तो ये सिचुएशन ऐसी ना होती, रिकवर ना हो पाती इतनी जितनी अभी हुई है। तो गाइस मैं आपके साथ ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में भी घर में माँ बाप भाई बहन या लोग हैं, इट डजेंट मैटर कि सीनियर सिटीजन है कि मिडिल एज ग्रुप है कि बच्चे हैं, सबकी इम्यूनिटी अलग होती है। जरूरी नहीं है कोई यंग है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है या कोई बुढ़ा है तो या ओल्ड एज है तो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। पर्सन की इम्यूनिटी उनकी बॉडी के हिसाब से और उनकी हेल्थ के हिसाब से और उनकी लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीजों के हिसाब से सबकी इम्यूनिटी अलग होती है। तो अभी पैंडेमिक चल रहा है गाइस, पैंडेमिक्स में अगर आपको किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट हो आप इसे हल्के में ना ले, आप ये ना सोचे कि अरे हल्की फुल्की खांसी हल्का फुल्का सुखा जुकाम जुकाम है, ये सब नहीं होता गाइस। पैंडेमिक है, पैंडेमिक का मतलब आपको जो भी होता है वो पैंडेमिक से रिलेटेड होता है, चाहे वो हल्का फुल्का माइल्ड ही क्यों ना हो, भले ही वो हवा का वायरस हल्का सा आपको छू के ना निकल जाए, लेकिन आप अपना प्रोएक्टिवली ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और हर चीज का ख्याल रखिए। तो गाइस मेरे डैड की जब रिपोर्ट फिफ्थ डे सैंपल देने के फोर्थ डे या फिफ्थ डे उनकी जब रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव आई, पर उनके रिपोर्ट आने से चार दिन पहले ही उन्होंने अपना कोरोना का घर पे आइसोलेशन और होम ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। तो ये चार दिन जो इनिशियल के चार पांच दिन होते हैं ये डॉक्टर खुद बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं चार पांच दिन में वायरल आपके बॉडी में बहुत ज्यादा अटैक करके आपके बॉडी को इंटरनली डैमेज करता है डिफरेंट डिफरेंट वेज में, और इसी टाइम पे आपको स्टीमिंग करना, अपने आप को फुल बॉडी रेस्ट देना, आराम से खाना पीना खाना, दवाइयां लेना, गार्गलिंग करना और अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो क्योंकि कोरोना की वजह से पैंडेमिक की वजह से अभी ये सब बहुत डिले हो रहा है, रिपोर्ट्स आना, टेस्ट करवाना भी टाइम लग रहा है, रिपोर्ट्स आने में डिले हो रहा है, तो आप प्लीज रिपोर्ट्स का वेट मत कीजिए। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है ना तो उस डाउट को डाउट मत रहने लीजिए, अपने आपको कोरोना का होम आइसोलेशन होम ट्रीटमेंट ही दीजिए ताकि लेट ना हो सके या लेट ना हो। तो उसके बाद मेरे डैड का पॉजिटिव रिजल्ट आया, डॉक्टर से दवाई ऑनलाइन ली, मेडिकल स्टोर से दवाई ऑनलाइन ली और उन्होंने घर पे सारे प्रिकॉशंस लिए। एंड इस टाइम पे बहुत जरूरी होता है कि वो लोग कंप्लीट फुल रेस्ट ले, कंप्लीट बॉडी रेस्ट ले, अच्छा खाना खाएं, दवाइयां खाएं और थोड़ा सा भी लेजी ना करें गार्गलिंग या स्टीमिंग करने में, और साथ ही साथ आप उनको मोरली भी स्ट्रांग करके रखें, उन्हें पॉजिटिव चीजें बताइए कि हाँ ये सब करने से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे एंड ऑल दैट। ये करने के बाद अभी मेरे डैड को भी 14 दिन हो चुके हैं और ही इज फिट एंड फाइन एंड ही इज बैक टू वर्क। वो रिटायर है इंडियन एयरफोर्स से लेकिन वो फिर भी कुछ अपना काम करते रहते हैं ऑनलाइन, तो वो अपना बैक टू वर्क है। तो थैंकफुली ही इज रिकवरिंग इन द सेंस कि हाँ मम्मी पापा को दोनों को थोड़ी सी वीकनेस है और वीकनेस तो कुछ महीनों में अच्छा घर पे आराम और खाना करने से, इम्यूनिटी बिल्ड करने से ही जाएगी, पर अभी उनकी कोविड की दवाइयां बंद हो चुकी हैं। डॉक्टर को फिर से कंसल्ट कर लिया है, डॉक्टर ने बोला है 14 डेज के बाद अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो अगर आप नॉर्मल हैं, सिर्फ वीकनेस के अलावा आपको अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो दोबारा कोविड का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बस खाना खाइए आराम कीजिए आप रिकवर करेंगे। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप आगे अपने आप को बचा के रखें, वो ये सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं है, हम सब के लिए। सो गाइस अभी मेरे मम्मी पापा दोनों ठीक हैं, दे रिकवर्ड फ्रॉम होम आइसोलेशन कोरोना एंड दे बोथ आर ऑलमोस्ट, मम्मी तो 58 हैं, डैडी 62 हैं, तो दे आर ऑल ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन। और ये पिछले दो हफ्ते मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट गए हैं, लेकिन यू नो अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, गिव अप नहीं करना पड़ता और प्रे बहुत करना पड़ता है, आई थिंक प्रेयर्स बहुत हेल्प करती हैं। सो थैंक यू आप लोगों में से जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इतना सारा लव और मैसेजेस भेजे और प्रेयर्स भेजे, थैंक यू सो मच, बिकॉज यू नो माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। तो अभी मेरे माँ बाप ठीक हैं, दे आर फिट एंड फाइन एंड दे आर एट होम ऑब्वियसली एंड दे आर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड्स वीकनेस, बट दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना। हाँ डॉक्टर ने कोरोना का रीटेस्ट करने के लिए मना किया है लेकिन दे विल गो फॉर अ रीटेस्ट आफ्टर अ वीक,
फॉर श्योर, क्योंकि अभी मेरी भाभी को कोविड नेगेटिव पॉजिटिव आया है और अभी वो भी रिकवर कर रही है एंड शी इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स जो मेरे मम्मी पापा ने किया है. शी इज कम्प्लीटली इन हर बेडरूम विद अटैच बाथरूम, तो उनका कम्प्लीट आइसोलेशन है, वो बाहर नहीं आ रही है, तो सारा खाना वहां जा रहा है. और यही सारी चीजें मेरे भाई और भाभी भी कर रहे हैं. मेरे भाई को भी कोविड का रिजल्ट आया, उसको भी लेट आया, डैड के बाद उसका रिजल्ट आया, क्योंकि रिजल्ट आने में ही 5-5 दिन लग जा रहे हैं. बट द बेस्ट थिंग इज दैट कि 5 दिन में जो रिजल्ट आ रहा है ना, उस रिजल्ट से पहले ही इन लोगों ने अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया था. तो माय भाई इज आल्सो गुड, ही इज आल्सो रिकवर्ड और इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है. और अभी भाभी को कोविड अभी रिसेंटली आया है, तो उनका भी अभी 3-4 दिन के बाद शी इज डूइंग गुड. उनको माइल्ड है, उनकी रिपोर्ट में जो चीजें आई थी, जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट से हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बताया कि उनको माइल्ड कोविड है, तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा. साथ ही साथ सब रिकवर हो गए, शी विल ऑल्सो बी फाइन. माई सिस्टर ऑल्सो हैड द सेम थिंग, माई ब्रदर इन लॉ हैज द सेम थिंग. जस्ट डोंट आस्क मी कि क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन, कहां हवा में कोरोना चल रहे हैं. गाइस, मम्मी पापा तो घर पे ही रहते हैं, वो लोग कहीं जाते भी नहीं है, तो घर पे बैठे बैठे भी कोविड कहां से आ रहा है भगवान जाने. तो सब लोग अपना ध्यान रखिए, जितना ज्यादा हो सके सारा फोकस आप अपने आप को कोरोना से बचाने में लगाइए. तो अभी सब लोग रिकवर होंगे, तो फिर अनदर 3-4 डेज, उसके बाद वो चारों एक साथ अपना कोविड का टेस्ट कराने जाएंगे. कोविड का टेस्ट कराने के लिए आप कोविड सेंटर्स भी जा सकते हो, नहीं तो आप घर पे भी कोविड के लिए बुला सकते हो. जैसे मेरी भाभी ने अपना सैंपल सेंटर में नहीं दिया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने सेंटर में दिया था व्हेन शी गेट सैंपल विद माय डैड एंड माय ब्रदर, उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया था. तो नेगेटिव आने के बाद मतलब मम्मी पापा भाई को कोविड आया था और भाभी को नेगेटिव आया था, वो लोग जब रिकवर हो रहे थे उस एक हफ्ते के बाद उन्होंने दोबारा सैंपल दिया, बिकॉज शी स्टार्टेड गेटिंग वॉमिटिंग और उनको फीवर नहीं आया, बॉडी एक नहीं आया और दूसरे सिम्टम्स नहीं आया. शी हैड वॉमिटिंग, माई मदर हैज लूज मोशन, माई डैड हैड ड्राई कफ एंड स्लाइट फीवर, माई ब्रदर हैड ओनली स्लाइट फीवर. तो सबको अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आते. तो जैसे ही मेरी भाभी को वॉमिट आई एक दिन और दूसरे दिन, तो दूसरे दिन ही हमने डॉक्टर को बुला लिया, टेस्ट को बुला लिया, घर पे आके वो सैंपल लेके गए और ऑनलाइन रिपोर्ट आ गई. तो अभी दे आर जस्ट वेटिंग, अभी भी सब लोग आइसोलेटेड है और वो लोग आइसोलेटेड ही रहेंगे, घर पे ही खाना बन रहा है. अभी मेरी मम्मी खाना बना रही है सबके लिए वापस, शी इज वीक पर डैडी उनको हेल्प करते हैं, शी कट्स ऑल द वेजिटेबल्स, वॉशेस एवरीथिंग एंड गिव्स टू हर, एंड मम्मी फिर कुक कर लेती है. फिर वो लोग सेपरेट नहा धो के अलग अलग ही बैठते हैं पूरे दिन और अपना स्टीमिंग और जो भी करना है गार्गल करते हैं. मेरी भाभी और भाई अभी आइसोलेटेड हैं, वो लोग भी रिकवर होने वाले हैं जस्ट अनदर फ्यू 4 more days एंड दे विल ऑल गो फॉर अनदर टेस्ट टू मेक श्योर कि घर में सबका एक साथ नेगेटिव आ जाए. जब तक घर में सबका नेगेटिव नहीं आता तब तक हम लोग श्योर नहीं होंगे कि घर से कोरोना जा चुका है. सो दिस इज इट गाइज, द ओनली पर्पज ऑफ वाई आई मेड दिस वीडियो इज टू शेयर माई जर्नी विद यू. आई कांट इवन पुट इन वर्ड्स, एंड मैं अभी यहाँ पे कैमरे पे बैठ के रोना नहीं चाहती क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को हिम्मत देने के लिए हूँ. पर हाँ, माँ बाप और भाई बहन और घर में जब कोरोना आता है तो आपको पता ही होगा कि हालत कितनी खराब होती है. हम अभी यहाँ सिंगापुर से इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं. 3-4 रातों को मैं ठीक से सोई नहीं हूँ, सिर्फ ये सोचती थी कि न्यूज न्यूज न्यूज, कितनी इन्फॉर्मेशन, कितना पॉजिटिव, कहाँ से कुछ पॉजिटिव डॉक्टर की न्यूज मिल जाए जो मैं मम्मी पापा के साथ शेयर करूँ कि हाँ ठीक हो जाएंगे जल्दी, और जल्दी हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे. और उन लोग की हालत देख के बुरा लगता था, स्पेशली माई मॉम. पर अब सब कुछ ठीक है, लकीली दे आर नॉर्मल, दे आर गुड. डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया, डॉक्टर ने बोला है कि अब आप घर में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, पर स्टिल वो लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके आइसोलेटेड ही हैं. सो गाइज, thank you so much for watching this vlog. If you thought this video was informative, please make sure you give this video a thumbs up, and I will catch you guys in my next vlog, and leave your comments below. Bye.